हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड IPC की मुख्य धाराओं के बारे में। आज की इस वीडियो में जो भारतीय संविधान में मुख्य धाराएं हैं फ्रेंड्स, उनको हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। वो धाराएं कौन कौन सी हैं और किस किस जुर्म किस में लिए वो धाराएं लगाई जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम जैसे पहली मुख्य धारा की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो पहला धारा हमारा 49, धारा 49 499, जो कि मानहानि के लिए लगाया जाता है। तो मानहानि आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि मानहानि क्या होता है। मानहानि जब किसी कंपनी की या फिर किसी भी लोग के प्रतिष्ठा सम्मान मान सम्मान के विरुद्ध में कोई आरोप लगाया जाता है, वो आरोप गलत सिद्ध हो जाता है, तो आदमी उसके रिएक्शन में उसके रिप्लेसमेंट में क्या करता है, उसके ऊपर मानहानि का केस ठोकता है। तो मानहानि के केस में कौन सी धारा लगती है, तो 499 लगता है। दूसरी धारा की बात करते हैं तो दूसरा धारा हमारा 415 है, जो छल करना। अगर आप किसी के साथ छल करते हैं, मतलब किसी को उल्लू बनाते हैं या फिर उसके साथ आप गलत करते हैं, तो वो क्या है, छल के रूप में, तो कौन सी धारा लगती है, 415 लगता है। जबकि हम हमला करते हैं किसी के ऊपर, तो वो कैसे हमला पे, वो कौन सा धारा लगता है, 351 धारा लगता है हमला करने के उपरांत। और जबकि हम गर्भपात करना है, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हैं, उस प्रेगनेंसी को हम पता करते हैं कि वो बेटा है या बेटी है, जैसे भारत में बहुत ज़्यादा होता है, बेटों को सम्मान दिया जाता है, बेटियों के साथ भेदभाव होता है, तो लोग पता कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट के दौरान वो बच्चा जो है वो बेटा है या बेटी है। अगर बेटी है तो उसको गर्भ में ही उसको क्या कहते हैं, अबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं। तो वहाँ पे कौन सी धारा लगती है फ्रेंड, तो 312 धारा लगती है गर्भपात में। ठगी करना, किसी के साथ आप फ्रॉड करते हैं, ठग करते हैं, तो धारा 310 लगता है। जबकि आप आत्महत्या की कोशिश करते हैं तो धारा 309 लगता है, धारा 309 लगता है। जब हत्या करना है, जब मर्डर का धारा लगता है, वो क्या लगता है, 302 लगता है। आपने बहुत बार फिल्मों में सुना भी होगा फ्रेंड्स कि धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो फांसी के लिए 302, जबकि हत्या के लिए कौन सा धारा लगता है, तो धारा 300 लगता है। अब चोरी के लिए कौन सा धारा, तो 378 धारा लगता है। जबकि हम बात करें छीना झपटी, किसी के साथ छीना झपटी हुआ है, तो धारा 412 लगाया जाता है। और सबूत मिटाना, अगर कोई केस है उसमें सबूत मिटाने की आपने कोशिश की, तो आपके ऊपर कौन सा धारा लगेगा, धारा 201 के तहत आपको किया जाएगा आपके ऊपर जो भी आपका प्रावधान है। अब अपहरण करते हैं, अपहरण जिसको हम किडनैप कहते हैं, तो किडनैप के लिए धारा 365 लगता है। जबकि षड्यंत्र रचना, आपने कोई षड्यंत्र रचा है तो उसके लिए धारा कौन सा लगता है, 120 रचा है, 120 लगता है। जबकि आप डकैती के दौरान हत्या अगर हो जाती है फिर, तो धारा 396 लगता है। डकैती के दौरान हत्या होना, तो वहाँ पर कौन सी धारा लगेगी, 396 लगता है। अप्राकृतिक कृत्य, मतलब कोई ऐसा काम जो नेचुरल ना हो, तो उसको लिए धारा कौन सा लगता है, 377 लगता है। जबकि आप डकैती के लिए 395 धारा लगता है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, तो सामूहिक बलात्कार के लिए धारा 376D लगता है, धारा 376D सामूहिक बलात्कार के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बलात्कार के लिए 376 लगता है, और इससे पहले हमने देखिए सामूहिक बलात्कार के लिए 376D, मतलब 376 का और एक्सप्लेन कर करके वो डी चौथे पार्ट में आया है। जबकि हत्या का दंड 302, जैसे मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको दफ़ा 302 या फिर धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो 302। और हमारा ये आखिरी धारा फिर, धारा हत्या की कोशिश करने पे आपको कितना लग सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, तो यहाँ पे लगता है 307। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फ्रेंड्स हमारा कंटेंट पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो देखने की, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।